तो अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडोज 11 पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को दिया गया है जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बिना किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें विंडोज 11 को फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड कैसे कर सकते हैं विंडोज 10 से। इस अपग्रेड में आपका कोई डाटा लॉस नहीं होगा बट यहाँ पर आपका अप टू 8 GB इंटरनेट यूज हो सकता है। इस मेथड से आप अनसपोर्टेड पीसीज के अंदर विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन मेथड है जिससे आप विंडोज 11 पर आसानी से अपग्रेड कर पाएंगे। तो विंडोज 11 पर अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको विंडोज 11 की ISO फाइल चाहिए होगी। तो ISO फाइल जेन्युइनली ऑफिशियली डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है डाउनलोड विंडोज 11। आपको फर्स्ट लिंक पे आ जाना है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का होगा। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज ISO। यहाँ पे आपको सिलेक्ट डाउनलोड में विंडोज 11 मल्टी एडिशन ISO पे सिलेक्ट करना है। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पर विंडोज 11 सिर्फ 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है तो आपको डाउनलोड बटन पर प्रेस करना है। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको उसे डेस्कटॉप पे ले आना है। यहाँ पे एक ऑप्शनल स्टेप है जो कि आप स्किप भी कर सकते हैं बट इससे आपकी जो विंडोज 11 की इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। इस स्टेप को करने के लिए आपको सबसे पहले ISO फाइल पर राइट क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसे कट कर लेना है, दिस पीसी में जाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक दूसरी ड्राइव अवेलेबल है। अगर आपके पीसी के अंदर दूसरी ड्राइव अवेलेबल नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। जो फाइल आपने कट करी थी उसको इस ड्राइव के अंदर आके पेस्ट कर देना है। अब आपको इस ISO फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। यहां आने के बाद आपको 7-zip टाइप करना है, फर्स्ट लिंक ओपन करना है, 64-bit वाला डाउनलोड करना है। फाइल डाउनलोड होने के बाद उसे ओपन करना। यस, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर अब हमें इस ISO फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। हमने सॉफ्टवेयर को तो इंस्टॉल कर लिया है जिसके जरिए हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब आपको सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है, तो आपको 7-zip वाले ऑप्शन पे करना है और यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक नया फोल्डर आ जाएगा तो इसे ओपन करना है। अब अगर आपका पीसी या लैपटॉप विंडोज 11 को सपोर्ट करता है तो सिंपली आपको सेटअप वाले ऑप्शन पे चले जाना है और इसे ओपन कर लेना है। और अगर आपको चेक करना है कि आपका विंडोज पीसी या लैपटॉप विंडोज 11 को सपोर्ट करता है नहीं करता है, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको विंडोज एंड सिक्योरिटी में आ जाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पॉपअप लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पीसी डज नॉट करंटली मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट टू रन विंडोज 11। तो इसका मतलब है कि मेरा जो पीसी या लैपटॉप है वो विंडोज 11 को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट नहीं करता है। अनसपोर्टेड पीसी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फाइल को डाउनलोड करना होगा। उस फाइल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद डाउनलोड बटन पर प्रेस करना है। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक फोल्डर खुल जाएगा, इस फोल्डर को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करना है और देन इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ आप कट कॉपी कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी आपने उस ISO को एक्सट्रैक्ट करा था आपको सिंपली वहाँ चले जाना है। तो मैंने अपनी दूसरी ड्राइव में करा था तो मैं दूसरी ड्राइव में चले जाता हूँ। यहाँ पर आपको ISO वाले फोल्डर में चले जाना है। आपको यहाँ पे सोर्सेस वाले फोल्डर में जाना है। इस फोल्डर के ओपन होने के बाद आपको राइट क्लिक करना है एंड देन पेस्ट करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिप्लेस द फाइल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये जो सेटअप है ये अनसपोर्टेड लैपटॉप या पीसीज के अंदर भी सपोर्ट करेगा, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे यस करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विंडोज 11 का सेटअप खुल चुका है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई भी अनसपोर्टेड का नोटिफिकेशन नहीं दिया, तो आपको अब यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट बटन पे प्रेस करना है।
हमारा गेटिंग अपडेट्स वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब अगर आप बिना डाटा लॉस के विंडोज 10 से विंडोज 11 पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन चाहते हैं अपनी विंडोज 11 की, कि विंडोज 10 बिल्कुल डिलीट हो जाए, उसका डाटा सारा डिलीट हो जाए और विंडोज 11 फ्रेश तरीके से इंस्टॉल हो, तो आपको यहाँ पे नथिंग वाले बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि मेरे पीसी के अंदर कोई भी डाटा लॉस हो, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर देता हूँ। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे प्रेस करना है। अब जो आपके सामने प्रोसेस होगा, इसके बाद आप विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड होंगे। इस प्रोसेस को होने में लगभग 1 घंटा लग सकता है। A few moments later. तो फाइनली यहाँ हमारे लैपटॉप में विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुका है। इस प्रोसेस को होने में लगभग 1 घंटा लग गया। इस मेथड से आप अपने अनसपोर्टेड पीसी या लैपटॉप में विंडोज 11 पर अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्रोसेस में आपका डाटा लॉस तो नहीं होगा, बट आपका 8 GB समथिंग इंटरनेट यूज होगा, जो कि आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।